कि अगर रोम रोम में राम बसे हैं, ये फिलोसॉफी अगर सच है ना मोदी जी, तो क्यों हट करके बैठे हैं कि वही मंदिर बनाना है और अभी बनाना है। राम जी भाग के नहीं जाएंगे मोदी जी, राम जी तो दिल में बसे हैं ना, आपके दिल में बसे हैं, हम सबके दिल में बसे हैं। तो जरा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है मोदी जी, थोड़ा सा सब्र रखिए, जरा इस कोरोना से लोगों को उभरने दीजिए। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19, एवरीवन हैज अ राइट, हर किसी को हक है अपने धर्म के अनुसार बात करने का, अपने धर्म की पूजा प्रार्थना करने का। किंतु मोदी जी दिए और थाली से क्या होगा, तो आपके भक्त फिर टूट पड़े, जैसे अभी ये मुस्कुरा रहे बेचारे पगला गए हैं आपके प्यार में। क्या करें, प्यार में इंसान अंधा होता है, तो बेचारे को कुछ सूझता नहीं। जैसे ये बेचारे भक्त मुस्कुरा मुस्कुरा के सारे गम सह रहे हैं, और बेचारे नोटबंदी के वक्त भी वो सह रहे थे, वो सारे बेचारे भक्त जीएसटी के वक्त भी सह रहे थे, और अब भी सह रहे हैं। हम जानबूझकर जरा हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि अगर बात मोदी जी तक पहुंचानी है, तो मोदी जी के जितने भी भक्तगण हैं जो कि महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र के बाहर भी है, तो ऐसे जो सारे भक्तगण हैं, चूंकि विषय है कि अगस्त में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान नरेंद्र मोदी जी यह अयोध्या में मंदिर के नींव का पत्थर रखने जा रहे हैं, और वह उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी काम है। हम पहले ही साफ 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 कर दें, हम आपको ज़रा यह याद दिला दें कि भारतीय संविधान की धारा 19 के तहत यहाँ पर हर किसी को अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के अनुसार पूजा, प्रे, नमाज या वंदना जो भी है वो सब करने का पूरा पूरा हक है। अपने अपने धर्मानुसार हर कोई बंदा, किसी को लगा कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करूं, किसी को लगा कि मैं चर्च में जाकर प्रेयर करूं, किसी को लगा कि मैं विहार में जाकर वंदना करूं, या किसी को लगा कि मैं मंदिरों में जाकर प्रार्थना करूं, तो वो वहां पर जा सकते हैं। उन्हें वह पूरी तरह की आज़ादी भारतीय संविधान ने दे रखी है, और हम यह बात पहले ही क्लियर कर दें कि इस आज़ादी के लिए, इस आज़ादी को लेकर हमारे मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। हम उन सभीओं के, उन सभी हक का, उन सभी अधिकारों का तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, और संविधान ने रखी इस बात का पूरा पूरा सम्मान भी करते हैं। किंतु महाराष्ट्र में एक कहावत है, कहावत जरा मराठी में है, पहले मराठी में बताएंगे फिर हिंदी में आपसे उसको समझाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में मराठी में ऐसी कहावत है कि एक चांगला वाजंत्रीकार, म्हणजे संगीतकार जो वाजवतो, एक चांगला वाजंत्रीकार जो लग्न घरातही वाजवू शकतो आणि मड्याच्या ठिकाणीही वाजवू शकतो, पण लग्न घरात त्याने मड्याचं वाजवू नये आणि जिथं मरणकला पसरली आहे तिथे लग्नाचं वाजवू नये। हिंदी में क्या अर्थ हुआ पता है इसका? जो एक अच्छा म्यूजिशियन होता है, जो एक अच्छा गाने बजाने वाला होता है, वो हर तरह के समारोह में, हर तरह के प्रसंग में अपना म्यूजिक बजाता है, किंतु वो शादी ब्याह में भी बजा सकता है, वो किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई तो वहां पर भी बजा सकता है शोक समारंभ में, किंतु शादी ब्याह में किसी के तेरवी का जो गाना है वो नहीं बजाते, और किसी के यहाँ तेरवी का प्रोग्राम है तो वहां पर शादी ब्याह का गाना नहीं बजाते। कहाँ क्या बजाना है इसकी सूझबूझ होनी चाहिए। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम यह एक्चुअली मोदी जी और उनके समर्थकों को बताना चाहते हैं कि बेशक मोदी जी आप क्या करें यह हम बताएंगे नहीं, क्योंकि भाई आपको चुन के दिया है लोगों ने, और बहुत मेजोरिटी के साथ चुनकर दिया है, और इतनी सारी मेजोरिटी के साथ आपको चुनकर दिया है, और कितने ही आपके भक्त अब इस लाइव पर आए हुए हैं और बहुत भीड़ जमाए हुए हैं, तो मोदी जी हम आपको और आपके भक्तों को बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेशक आप कुछ भी कर सकते हैं, किंतु
किसी के शादी ब्याह का म्यूजिक मृत्यु के वहां पर बजाना ये कोई समझदारी नहीं होती। आप मंदिर बनाने की कोशिश करें, मस्जिद बनाने की कोशिश करें, चर्च बनाने की कोशिश करें, विहार बनाने की कोशिश करें, हमें उसमें कोई लेन देन नहीं है। आप किस धर्म का मंदिर, किस धर्म का श्रद्धा स्थल बनाने हेतु जा रहे हैं उसके लिए भी हमें कुछ कहना नहीं है। हमें कहना बस इतना है कि मोदी जी आज की तारीख में जहां सभी धर्मों के श्रद्धा स्थल लॉक्ड किए हुए हैं, आज की तारीख में जब लॉकडाउन के नाम पर यहाँ हिंदुओं के मंदिर हो, मुस्लिम्स की मस्जिद हो, क्रिश्चियंस के चर्च हो या गुरुद्वारे हो या और कुछ हो, जब सभी लॉक्ड करके रखे हैं और सिर्फ अस्पताल ही शुरू है, सिर्फ अस्पतालों की सेवाएं शुरू है, और अस्पतालों की जो सेवाएं शुरू है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे जगहों की। और अगर अब ऐसे है तो आपको बजाय अस्पतालों के क्या सूझी है कि आप श्रद्धा स्थलों के उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, जबकि समूचे विश्व भर में कोरोना को लेकर बहुत गर्मागर्म बहस चल रही है, समूचे विश्व में कोरोना को लेकर अलग अलग संशोधन चल रहे हैं, अलग अलग देश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगा, हम किस तरह से ज्यादा वैक्सीन जल्द से जल्द समय में हम वैक्सीन दे सकते हैं, ये इस बात पर होड़ चल रही है मोदी जी। पर आप है कि बाजी नहीं आ रहे हैं आपके कामों से, आप है कि आपको क्या पड़ी है हमारी समझ में नहीं आता कि पहले आपने कहा चलिए थालियां बजाइए, लोगों ने थालियां बजा ली मोदी जी, फिर आपके कोई आपके इतने पंटर है ना कि हम आप क्या क्या बात करें उसमें से, तो ये जो संबित पात्रा टाइप के जो लोग हैं, इन सारे लोगों को हम ये बात बताने की जरा कोशिश कर रहे हैं कि भैया एक तो आपने जो 20,000 का पैकेज, जो 20,000 करोड़ का जो पैकेज जो डिक्लेयर किया था, वो पैकेज तो पहुंचा नहीं है, क्योंकि अगर वो पैकेज यहाँ पर पहुंच जाता तो शायद यहाँ पर वेंटिलेटर्स मिलते हम लोगों को, हमें ऑक्सीजन मिलता। मोदी जी जो खर्चा आप हमारी जेब कतराई करके करने वाले हैं, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 एवरीवन हैज अ राइट, हर किसी को हक है अपने धर्म के अनुसार बात करने का, अपने धर्म की पूजा प्रार्थना करने का, किंतु ये सारा करते समय यहाँ के आम जो नागरिक है उनकी जेब कतराई करने का हक सरकार को नहीं है। आप जब हमारी जेब कतराई करते हो तो हमारी जेब कतराई करते समय आप जब 20 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ डिक्लेयर करते हो मोदी जी, तो बहुत 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 सहज बात है कि हम अपेक्षा करते हैं भारत की जनता की हैसियत से आपसे कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा प्रबंध करें, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसलिए आज ही महाराष्ट्र के परभणी डिस्ट्रिक्ट का एक पेशेंट बेचारा मर गया, उसे ऑक्सीजन नहीं मिला था। हमने पिछले 2 लाइव में कहा कि दिनेश डेंगले नाम के हमारे कार्यकर्ता जिनके 2 चाचा सिर्फ और सिर्फ 32,000 का इंजेक्शन वो नहीं ले पाए, 32,500 रुपए का इंजेक्शन वह नहीं खरीद पाए और उनके चाचा की मौत हो गई मोदी जी। मोदी जी क्या आपको यह बताना पड़ेगा हमें कि तिरुपति मंदिर जो आज की तारीख में भारत का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, आपके श्रद्धा स्थल को आहत करने की मेरी कतई कतई मनीषा नहीं है मोदी जी। मैं आपके श्रद्धा की, आपके भक्तों की श्रद्धा की पूरी पूरी कदर करती हूँ, आपके भावनाओं का मैं पूरा पूरा सम्मान करती हूँ, किंतु फिर भी मोदी जी इस बात को जरा ध्यान में रखिए कि तिरुपति मंदिर में आज ही, आज का जो फिगर है ना वो 278 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, और जो 278 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं मोदी जी, उसमें तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद देने वाले जो पुजारी है वह पहले कोरोना पॉजिटिव निकले, फिर अलग 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 जो सेवा देने वाले लोग हैं वो निकले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मोदी जी?
इसके बारे में आप जो बवाल आपने तबलीगी की तरफ से जो जो बात उठाई थी, तो क्या हम दंगा फसाद हमें कराना ही नहीं है, ना ही हमें ये बताना है कि यहाँ मुसलमान श्रेष्ठ है कि हिंदू श्रेष्ठ है, हमें इस बात में जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। हमें बस इतना बताना है आपको कि अरे भैया तिरुपति मंदिर में जो 278 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, आज ही का और एक न्यूज है मोदी जी, स्वामी नारायण मंदिर जो है, ये स्वामी नारायण मंदिर के जो मुख्य पुजारी है, यह मुख्य पुजारी आज इनकी डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। अगर ये सारे लोग कोरोना की वजह से इनकी डेथ हो रही है, तो मोदी जी क्या आपको और आपके भक्तों को ऐसे नहीं लगता कि इस देश में प्रायोरिटी नाम की भी कोई चीज होती है? देश का जो मुखिया होता है वो मुखिया एक परिवार का मुखिया होता है। अगर हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना लेकर घूमते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के मायने होते हैं कि समूचा विश्व एक परिवार है, विश्व का जाने दीजिए, एटलीस्ट अपने देश के बारे में बात कीजिए कि ये देश एक परिवार है, और अगर यह देश एक परिवार है तो इस देश का परिवार के मुखिया होने के नाते या आपकी जिम्मेदारी है कि आपको याद रहे कि परिवार में सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किन चीजों को देनी चाहिए। प्रायोरिटी किस चीज को हो यह तय करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल होता है। मोदी जी क्या आप भूल गए हैं? हमने आपने कहा थालियां बजाइए, हमने पूछा भाई थालियां क्यों बजानी है? कित की चितले जैसे कुछ लोगों ने कहा ये तो पागल है, ये सठिया गया है। अरे भाई आपके भक्त तो बेचारे दूसरों को पागल कहते रहते हैं, कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता ये केतकी चितले, ये शरद पुंगशे जी या ये संबित पात्रा जी, ये लोग बात करते समय क्या खुद एक हाथ आईना सामने रख के बात करते हैं कि क्या, कि आईने में खुद को ही देखते हैं और खुद को ही देख कर बात किया जाते हैं इसलिए दूसरों पर वह इतने उकसाते हैं? सोचना पड़ेगा मोदी जी, इस बात को लेकर जरा सोचना पड़ेगा। और हाँ, हम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आयुष्मान उद्धव जी से भी अपेक्षा करते हैं कि आयुष्मान उद्धव जी, आपकी प्रतिमा हमारे मन में दिन ब दिन बहुत 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 अधिकतम अच्छी होती जा रही है। हमें एक लगता है कहीं ना कहीं कि आप प्रबोधनकार ठाकरे के वही वारिस और वह विचार लेकर आगे जा रहे हैं, तो हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि यहाँ महाराष्ट्र में जब रोज लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो यहाँ कोरोना पर जो प्रबंध है आवश्यक वह करने की बजाय आपका यूं मंदिरों के उद्घाटनों के लिए जाना, माफ कीजिए हमें तो इतना अच्छा नहीं लगा। हमें इतना तो कुछ रास नहीं आ रहा कि ये असल में चल क्या रहा है। मोदी जी शायद भूल रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी जो प्रायोरिटीज है ना मोदी जी, वो सबसे पहले किसी भी राजा का, किसी भी राज्य के मुखिया का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि वह अपने परिवार के, अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा पहले देखे। वो जो आपकी जो चाणक्य नीति, अमित भाई को आप चाणक्य वगैरह कहते हो ना, तो अमित भाई से कभी पूछ लीजिए, शायद आपके दिमाग में आए ना आए, तो चाणक्य कहते हैं कि अपनी प्रजा की सुरक्षा यह सबसे प्रधान क्रम होता है, यह सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो हमारी सुरक्षा के बारे में आपको पहले सोचना था, जो कि आपने नहीं सोचा था, जो कि हमें जो लगा था मोदी जी कि एक तो जब पहले जब कोरोना का असर शुरू हुआ था तब आपने ध्यान नहीं दिया था, तब आप एमपी की सरकार गिराने में बड़े व्यस्त थे, आपके सारे लोग व्यस्त थे, तब आपने इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं रोकी थी, इंटरनेशनल फ्लाइट जो आ रही थी वहां एयरपोर्ट पर आपने स्क्रीनिंग नहीं किया था, फिर जो लोग स्क्रीनिंग करने के लिए यहां पर आ रहे थे, सारे भक्तों का स्वागत है, जितने भी यहां मुस्कुरा रहे सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, मुझे अच्छा लगा कि मेरी वजह से आपको इतना मुस्कुराने का अवसर मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने तब भी स्क्रीनिंग नहीं किया, फिर आपका सारा एमपी का खेल चल रहा था, एमपी का खेल चलते ही 13 तारीख को जब पहला बंदा यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव, पहला पेशेंट यहाँ मृत हुआ, वो गुलबर्गा में हुआ कर्नाटक में, उस दिन भी आप
और आपका जो जी हिंदुस्तान वाला जो मीडिया है ना, और वो ये जो संबित पात्रा वाले जो भौ-भौ करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग एमपी की सियासती बातों को लेकर बड़ी घमासान कर रहे थे। आपको हमारी कुछ नहीं पड़ी थी कि आप हमारे लिए क्या सोचे और क्या करें। उसके बाद आपको लगा कि अरे मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ दिखाना चाहिए, तो आपने अचानक से तबलीगी का मुद्दा निकाल लिया। फिर लोगों को कुछ इस तरह से गुमराह कर दिया कि सारे भारत को जैसे सवाल खड़े हुए कि अरे भैया यहाँ कोरोना नाम का कोई जो भी वायरस होगा वो जैसे कोई मुसलमान वायरस है, और मुसलमान वायरस ही यहाँ पर आया हुआ है। अब आपने तब भी उन्हें नहीं रोका था, लोगों में कुछ इस तरह से आपने खौफ भर दिया कि यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे तबके में लोग ऐसे सोच रहे थे, लोगों को ऐसे लग रहा था कि मानो कोरोना कोई बीमारी न हुई बल्कि कोई मुस्लिम आतंकी हो गया। आपने उस पर कुछ नहीं कहा। फिर आपने पिछले 6 साल की आपकी जो एकदम सा फेलियर था आपकी सियासती बातों का, वो सारा फेलियर आपने यहाँ जो फेलियर इकोनॉमी थी उसका समूचा जो बिल है वो कोरोना के नाम पर फाड़ दिया, फिर भी लोग चुप रहे। फिर आपने और एक नई बात निकाली कि आपने क्या किया कि फिर अचानक से आपको लगा कि नहीं भाई मुझे थालियां बजानी है। हमें लगा था मोदी जी कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं। आप यकायक से आए और थालियां बजाने की बात की, आप यकायक से आए और दिए जलाने की बात की, और हाँ और एक बात मैं भूल गई शायद, मोदी जी क्या आपको याद है कि आपने दिए जलाने का जो परमिशन था या जो जो सूचना थी वो हमें कब दी थी? आपने हमें दिए जलाने की सूचना बिल्कुल 72 घंटे पहले दी थी मोदी जी, 72 घंटे पहले। लेकिन आपने लॉकडाउन की सूचना हमें कब दी थी पता है आपको? आपने 22 तारीख को रात के 8:30 बजे आप आए लाइव, और रात के 8:30 बजे एकदम आकर आपने कहा आज रात 12 बजे से लॉकडाउन हो रहा है। मोदी जी लॉकडाउन जैसी चीज जो कि लोगों के निजी जीवन पर बड़ी असरदार साबित होने वाली चीज है, इस चीज को लेकर आपने हमें 4 घंटे तक नहीं दिए भारत की आबादी को, वही आपने आपका दिए वाला इवेंट करने के लिए 72 घंटे की मोहलत दे रखी थी। यानी कि आप आपके इवेंट को लेकर कितनी संजीदगी से सोचते हैं, और आप यहां लॉकडाउन और लोगों की निजी सुविधा असुविधा को लेकर कितना सोचते हैं, ये जरा सोचना पड़ेगा मोदी जी। फिर लोग आपको सवाल पूछते रहे कि अरे भाई मोदी जी दिए और थाली से क्या होगा, तो आपके भक्त फिर टूट पड़े, जैसे अभी ये मुस्कुरा रहे बेचारे पगला गए हैं, आपके प्यार में क्या करें, प्यार में इंसान अंधा होता है, तो बेचारे को कुछ सूझता नहीं, वो जैसे तैसे अपने भगवान के लिए, अपने वो चहेते के लिए जिस पर वो अपनी जान निछावर करता है उसके लिए हंस हंस के सारे गम सह लेता है, जैसे ये बेचारे भक्त मुस्कुरा मुस्कुरा के सारे गम सह रहे हैं। और बेचारे नोटबंदी के वक्त भी वो सह रहे थे, वो सारे बेचारे भक्त जीएसटी के वक्त भी सह रहे थे, और अब भी सह रहे हैं निर्मला सीतारामन जैसे, और कितने ही हम कितना किन किन को पूछे। मोदी जी क्या आपको इस बात में जरा भी कतई अचरज नहीं लगता कि सैनिटाइजर जैसी चीज जो अब की आज की तारीख में समूचे भारतवर्ष के लोगों के लिए बड़ी ही अहम चीज है, और उस सैनिटाइजर पर आप 18% की जीएसटी लगाते हो, क्या मोदी जी ये कोई परिवार के मुखिया वाली बात हो गई? ये परिवार के मुखिया वाली बात नहीं है मोदी जी, ये मानो आप एक तरह से दुश्मनी निकाल रहे हो, या इस कोरोना की संकट की घड़ी को आप अपने वो जो गुज्जू भाई जो बड़े व्यापारी होते हैं ना, तो उनके व्यापार करने वाले लोगों को, वो व्यापार करने वाले उन लोगों के लिए जैसी एक उपलब्धि करा के दे रहे हो आप 18% की जीएसटी लगाकर, इसके बारे में आप कभी सोचेंगे ही नहीं। अरे चलिए छोड़िए मोदी जी, अब आप चलिए कि हम आपको पूछ रहे थे कि 20,000 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ, हम आपको पूछ रहे थे कि वेंटिलेटर्स का क्या हुआ, कितने ही ऐसे रूरल एरियाज है कि जहां वेंटिलेटर्स बिल्कुल ही नहीं पहुंचे हैं। लॉकडाउन मान लीजिए कि लॉकडाउन, यह तो हमें लगता ही नहीं कि लॉकडाउन एक बहुत बढ़िया कोई उपचार है। हाँ ऐसे हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और प्री प्रिकॉटरी कुछ बातें करने के लिए जो समय चाहिए वो समय
हड़बड़ी ना मचे, हड़कंप ना मचे, इसलिए शायद लॉकडाउन एक पर्याय, एक ऑप्शन हो सकता है। किंतु सिर्फ लॉकडाउन पर ही निर्भर रहना ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होते हुए भी मोदी जी, जब 2-4 पेशेंट थे तब आपने लोगों की शिफ्टिंग के बारे में नहीं सोचा, और जो पेशेंट्स का आंकड़ा जब 1 लाख के परे जाता है तब आप कहते हो कि यहाँ से रेल छोड़ेंगे, वहां से रेल छोड़ेंगे। क्या चल रहा है मोदी जी? क्या आपकी मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर्स हैं, क्या वो कुछ सूझबूझ वाले हैं कि नहीं, या बस ऐसे ही जैसे हम कहते हैं यहाँ पर कि क्या बोल रहे, क्या भैंसा दूध देता है? हाँ बोल, क्या भैंसा दूध देता है? तो कोई कहेगा हाँ साहब देता है, देता है। कोई बोलेगा साहब आप बोलिए किस भैंसे का निकालो, मोदी जी आपके मिनिस्ट्री में क्या मिनिस्टर किस तरह से काम करते हैं कि आपसे कुछ कोई सवाल ही नहीं पूछता कि अरे ये क्या चल रहा है, किस तरह। हाँ मुंबई में तो कोरोना अब बड़ा अच्छे से वो कंट्रोल में तो आ रहा है। हाँ उससे मैं याद आया मुझे मोदी जी कि आपने कुछ, आपके कुछ बंदों ने कहा कि RSS के बंदों की वजह से ही धारावी में कोरोना कंट्रोल में आ सका है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मोदी जी, अगर धारावी में RSS की वजह से कोरोना कंट्रोल में आ रहा है तो भैया नागपुर में आपका हेडक्वार्टर है। राजू शक्ति ने पूछा हुआ सवाल कोई गलत नहीं है, सोचना पड़ेगा इस पर। मोदी जी आपको याद रहे कि धारावी में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि धारावी के जो विधायक है ना चुनकर आए हुए, सृष्टि वर्षा गायकवाड़ जी, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली भीमराज की बेटी वहां विधायक की हैसियत से चुनकर आई है, और वह भीमराज की बेटी वहां पर कुछ ऐसे पुख्ते प्रबंध करती है कि जिस पुख्ते प्रबंध की वजह से धारावी जैसी सबसे बड़ी आबादी वाले इलाके में आज की तारीख में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। मोदी जी ये इतना ही सही, इतना सीधा नहीं है। और रही बात आपकी ना मोदी जी, या आपके जहां भी सरकार चल रही है, तो हम आपको याद दिला दें मोदी जी कि आपने जो डॉक्टर काफिल खान को जो रासुका लगाकर रखा है, और जो रासुका लगाकर डॉक्टर काफिल खान को आप देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हो इस लाइव के माध्यम से, यह लाइव जितना भी शेयर होगा उन सभीयों को हम बताने की यह कोशिश करेंगे कि डॉक्टर काफिल खान यह कोई देशद्रोही बंदा नहीं था। काफिल खान असल में आपका नकारापन साबित किए जा रहा था, क्योंकि ये डॉक्टर काफिल खान वही है मोदी जी। शायद आपकी याददाश्त अगर कमजोर हो गई हो तो मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि यह डॉक्टर काफिल खान वही है जो यूपी में 59 बच्चे ऑक्सीजन की, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर मर गए, और आपकी पार्टी का हेल्थ मिनिस्टर बड़े बेशर्मी के साथ और बड़े बेबाक होकर कह रहा था कि अक्टूबर में तो बच्चे मरते ही है, तो उसे शायद पता नहीं, या उसे शायद इस बात का रत्ती भर भी उसे अफसोस नहीं है, उसे इस बात की जानकारी नहीं कि अरे भैया उस हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं कि उसी के स्टेट में गवर्नमेंट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वह बच्चे मर रहे थे। उस वक्त उस अस्पताल में का एक बड़ा ही ड्यूटीफुल नेक बंदा बनाम मिस्टर डॉक्टर काफिल खान, वह बंदा पूरे शहर भर में जहां कहीं भी उसे मिल रहे थे, जहां कहीं भी उसे ऑक्सीजन के सप्लाई मिल सकते थे, वो वहां वहां से लेकर आ रहा था, और उन बच्चों के लिए वह कोशिश कर रहा था उन्हें बचाने की। लेकिन यह बात जब सामने आई और मीडिया जैसे ही काफिल खान को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक तरह से काफिल खान को हीरो कहना मतलब यूपी की सरकार मिस्टर योगी को जीरो साबित करना था, और मिस्टर योगी का नकारापन जैसे साबित हो रहा था, इसी बात का गुस्सा मन में लेकर मिस्टर योगी ने डॉक्टर काफिल खान पर जिस तरह से आज की तारीख में मुकदमे चलाए हैं, हम मोदी जी इस लाइव के माध्यम से, हम जानबूझकर हिंदी में बोल रहे हैं मोदी जी, हाँ जानबूझकर, क्योंकि हमें पता है ये जो जितने लोग देख रहे हैं ना इसमें बहुत सारे आपके भक्त भी शामिल है, और भक्त बड़े बेचारे परेशान से हो गए हैं, तो
तो इन सारे परेशान भक्तों को समझाने के लिए ये हम चाहते ही है कि ये परेशान भक्त आप तक ये पहुंचाए कि महाराष्ट्र में आम हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, ना एमपी एमएलए है, ना किसी पार्टी के प्रवक्ता है, बिल्कुल आम आम इंसान की हैसियत से और बतौर बाबा साहब की बेटी की हैसियत से। बाबा साहब ने दिए हुए संविधान में जो बोलने का और सवाल पूछने का जो हक है, वो सवाल पूछने का हक लेकर हम आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी जी काफिल खान को अंदर डालना देशद्रोही, किस तरह के वो देशद्रोही है हमें जरा समझाइए। कोरोना के चलते यहाँ पर जो लोग मर रहे हैं उनके इलाज के बारे में सोचना छोड़कर जिस तरह से आपने पहले शुरुआती दौर में एमपी में आपकी गंदी सियासती चालें चली, वही गंदी सियासती चालें आज की तारीख में आप राजस्थान में चल रहे हैं, तो राजस्थान की जो आपकी सारी जो गंदी सियासती हरकतें हैं, इन गंदी सियासती हरकतों से क्या आपको फुर्सत मिल रही है? क्योंकि हमें लग रहा है कि आपको शायद आपको फुर्सत मिल रही है, शायद राजस्थान से आपको थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इसलिए तो आपने ये मंदिर वाला ड्रामा फिर से शुरू कर दिया है। मोदी जी, हम आपको और एक बार याद दिला दे कि जैसे ही आपने मंदिर की बात कही ना, तो हमारे दिमाग में जरा घंटी बज रही थी और वो दो तरह की घंटी बज रही थी मोदी जी, उसमें की एक घंटी कुछ ऐसी है कि क्या मंदिर की जगह पर जो उत्खनन कर रहे थे वहीं पर बुद्ध काल के अवशेष मिले, इस बात को लेकर कहीं आपकी पार्टी के लोग तिलमिला तो नहीं रहे हैं, कहीं उमा भारती जैसे जो लोग हैं वो वही कहीं अनकंफर्ट तो नहीं, अनइजी तो नहीं फील कर रहे हैं? ये अनकंफर्ट और अनइजी होकर फील होकर कि अरे भैया वहां पर तो सारे बुद्ध लेने के अवशेष मिल रहे हैं, अब इतने सारे बुद्ध लेने के अवशेष मिले और सारे समुचे बौद्ध और अंबेडकराइट लोग अगर जाग गए तो क्या करें, तो चलो इससे पहले फटाक से वहां पर मंदिर की शुरुआत कर देते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? या तो वहां पर जो बुद्ध लेने के जो अवशेष मिले शायद उससे तिलमिला जाना, अनकंफर्ट होना, अनइजी होना और जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, या और एक दूसरी बात हो सकती है कि शायद जो भी क्या कहेंगे उसे कि बिहार का इलेक्शन है, तो इलेक्शन में तो आपको कुछ सारी चीजें करनी पड़ेगी ना, आपको तो हर बार, क्योंकि जब तक आप एक डुप्लीकेट विरोधक सामने नहीं रखते, एक डुप्लीकेट दुश्मन दिखाना जरूरी होता है ना। भारत की आवाम को बार बार यहाँ के मुसलमानों से डर है, यह डरावनी बात कह कह कर आपने यहाँ का जो एक हिंदुइज्म को उकसाने की कोशिश की है, वही उकसाने की जो कोशिश है यह आपके मंदिर निर्माण की पहल को लेकर हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं मोदी जी कि आप बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं और जिस तरह से आपने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर आपने अपना पूरा जो मेकओवर बना दिया है वो काबिले तारीफ है। हैट्स ऑफ मोदी जी, बड़ा 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 काबिले तारीफ आपका वो सारा मेकओवर है। लेकिन फिर भी हम आपसे फिर एक बार कहेंगे कि वहां राम मंदिर बने या वहां मस्जिद बने, वहां चर्च बने, वहां गुरुद्वारा बने या वहां बुद्ध विहार बने, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सच्चा हिंदू होगा ना मोदी जी, जो सच्चा हिंदू होगा, हाँ, तो हिंदू की फिलोसॉफी क्या कहती है पता है आपको? हिंदू धर्म की फिलोसॉफी के अनुसार भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारताः अभिध्यानम धर्मस्य तदा ज्ञानम सृजाम्यहम्। जब जब कभी धर्म को ग्लानी आती है, जब जब कभी पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब जब कभी कोई इंसान बिल्कुल अति 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 परिसीमा कर जाता है, तब तब उसका अंत तय होता है। और उसी भगवद गीता को प्रमाण मानने वाले जो हिंदू है वह हिंदू और एक बात समझते हैं, वह कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, यानी कि ईश्वर हर जगह पर है। मोदी जी आप ही कहते हैं ना, बहुत बड़े, हमने बहुत सारे फिल्मों में, किताबों में यह डायलॉग, धारावाहिकों में, बहुत जगहों पर हमने यह डायलॉग सुना है कि रोम रोम में राम बसे है, हर जगह पर, हर जर्रे में वो है, हर जर्रे में वो बसा है। फिर आप चाहे उसे अल्लाह कहे या आप चाहे उसे ईश्वर कहे, अगर वो हर जर्रे में बसा है
अगर वो हर रोम रोम में बसा है तो मोदी जी, अगर राम मुझ में है, अगर राम आप में है, अगर राम आपके सारे ही उन भक्तों में है, अगर राम भारत की हर जमीन में है, अगर राम भारत के हर स्टेट में है, अगर राम भारत के समूचे समूचे समूचे, वो हम क्या कहते हैं, यहाँ का कंकर शंकर शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु सिंधु है, यहाँ के अगर पैर राह चलते किसी मुसाफिर ने किसी कंकर को भी ऐसे ही लात मारी तो उसमें से भी आवाज आएगी, कहते हैं ना ऐसी कुछ डायलॉग बाजी होती है ना। तो अगर यह सारी डायलॉग बाजी है और ये डायलॉग बाजी अगर सच है कि अगर रोम रोम में राम बसे है, ये फिलोसॉफी अगर सच है ना मोदी जी, तो क्यों हट करके बैठे हैं कि वही मंदिर बनाना है और अभी बनाना है। राम जी भाग के नहीं जाएंगे मोदी जी, राम जी तो दिल में बसे है ना, आपके दिल में बसे है, हम सबके दिल में बसे है। तो जरा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है मोदी जी, थोड़ा सा सब्र रखिए, जरा इस कोरोना से लोगों को उभरने दीजिए। और कोरोना से जैसे जैसे लोग उभरेंगे ना, कि जब कहा जाता है कि जब कोई हमें बात करके कहेगा कि ताई सलाम अलैकुम, और जब हम कहते हैं भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकतुह, बात तो एक ही हुई ना, जय श्री राम कहा या वालेकुम अस्सलाम कहा, बात तो एक ही हुई। अगर अगर हम एक ईश्वरवादी है और अगर ईश्वर हर तो अगर अगर ईश्वर हर तरफ है, अगर ईश्वर चिरंतन है, अगर ईश्वर हमारे बाद भी रहेंगे, हम हैं, हमारे पहले भी थे, अब भी हैं, हमारे बाद भी रहेंगे, तो उनका मंदिर अब बनाए या बाद में बनाए क्या फर्क पड़ता है मोदी जी। मंदिर में जाने के लिए लोग तो जीवित रहने चाहिए, अगर लोग जीवित रहे, लोग जिंदा रहे, लोग आबाद रहे, तो लोग मंदिरों में जा सकेंगे ना मोदी जी। पहले लोगों को जिंदा रहने दीजिए, ऐसे तो कुछ कहिए मोदी जी। हम आपको अंत में बताना चाहते हैं कि भारत की आवाम ने आपको हमारी सुविधा के लिए चुन कर दिया है, भारत की आवाम ने आपको हमारी सुरक्षा के लिए चुन कर दिया है, भारत की आवाम ने आपको हमारे जो प्रायोरिटीज है, हमारी जो डेली नीड्स है, उन डेली नीड्स पर बात करने के लिए, उन डेली नीड्स पर अपनी राय रखने के लिए चुन कर दिया है मोदी जी। जब यहाँ पर पृथ्वीराज चव्हाण जो कांग्रेस के नेता है, जब वो कहते हैं कि कुछ संपत्ति इस तरह से बाहर निकल सकती है और वह लोगों में और जरूरतमंदों में उस पर खर्च किया जा सकता है, तो यह बात सोचने वाली है, भक्तों को शायद हजम नहीं होगी आपके। और मोदी जी जो कल परसों और एक नेतागण ने बात की, एनसीपी के नेता ने बात की कि प्रायोरिटी किस चीज को चाहिए, ये बाकी सियासती बातें छोड़ दीजिए, बाकी पॉलिटिकल बातें छोड़ दीजिए, इसमें नहीं जाना है हमें, लेकिन हमें इसमें जरूर जाना है, इसमें हमें जरूर बात करना है, जिस चीज के लिए लोगों ने आपको चुन कर दिया है, कृपया उस बात का ध्यान रखिए, अपना ध्यान जरा राजस्थान से समेट कर लाइए, अपना ध्यान जरा अयोध्या से भी समेट कर लाइए, और अपना ध्यान हम सारे जो भारत के लोग हैं, उन लोगों को वेंटिलेटर्स मिल रहे कि नहीं, मेडिसिंस मिल रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो रही है कि नहीं, कोविड सेंटर कितने अच्छे बन रहे हैं, बजाय मंदिरों के उद्घाटनों के कोविड सेंटर्स और ज्यादा कैसे बन सकते हैं, इन बातों पर आप सोचिए। और साथ ही साथ हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आयुष्मान उद्धव जी से भी यह दरख्वास्त करना चाहेंगे कि उद्धव जी, आपसे उम्मीद करते हैं हम कि आपके दादा प्रबोधनकार ठाकरे साहब के वारिस है, और उन्हें वो जो प्रबोधनकार ठाकरे साहब का जो ओहदा है और उनका जो एक स्टैंडर्ड है, वह आप बिल्कुल मेंटेन करेंगे, और आप यहाँ जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी पर और ज़्यादा ध्यान देंगे। बस इसी बात को लेकर अगर मेरी बात जिन्हें गलत लगती है वो छोड़ दें, अगर लगता है आपको कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है और यहाँ
आज की तारीख में हमें अस्पतालों की सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे लगता है, तो बेहिचक शेयर करते जाइए, इतना शेयर कीजिए कि ये मोदी के हर एक भक्त को दिखना चाहिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वो संबित पत्रा तक भी पहुंचना चाहिए। और हाँ, और एक बात मैं भूल जाऊं शायद, कि महाराष्ट्र में जो ये केक की चितले टाइप के जो लोग हैं ना, वो बहुत भाषा और ये सारे लोगों पर बात करते हैं, तो हम केतकी चित्र, वैसे तो ये इतने तो है नहीं, इनको इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनके दिमाग का जरा थोड़ा सा निकालने की जरूरत है, जो हवा है तो हवा निकालने की जरूरत है, कि केतकी जी अगर आप सही में बहुत ज्ञानी हैं और अगर आप डरपोक नहीं है तो कभी भी थोड़ा जरा झूम में ही सही, जरा सामने आइए, जरा जरा बैठ के बात करेंगे। और हाँ, यह बात अगर बीजेपी के किसी नुमाइंदे को गलत लगती है तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि मियाँ जरा बैठ कर बात करते हैं, बात थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल हो, बात थोड़ी सी लॉजिकल हो, बात थोड़ी सी साइंटिफिकली हो, क्योंकि ये अगर आप क्या बोलेंगे उसे हम ब्रेन पैरालाइज होने वाली बात अगर आप करने वाले हो तो फिर आपसे चर्चा नहीं हो सकती। लॉजिकली जो लोग चर्चा करेंगे उन सभी लोगों के लिए हमारे पास, हमारा चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म खुला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।